समय अनेकों लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं कि कई बार जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते करते आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगती है। कभी इस प्रकार से महसूस होता है कि कोई प्रकाश पुंज पूजा स्थली पर दिखाई दिया, किसी का स्पर्श महसूस होता है कि किसी ने हमें स्पर्श किया, कोई सुगंधित हवा वहां से निकल गई, कभी ऐसा लगता है कि ज्योत अचानक बहुत तेज हो गई, यानी अप्रत्याशित रूप से कुछ घटनाएं घटती हैं। और फिर उसके बाद में हम हमेशा प्रयत्न करते हैं लेकिन वो घटना दोबारा घटती नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे फोन हमारे पास में आते रहते हैं और लोग बोलते हैं कि गुरुजी आज हमें इस प्रकार का महसूस हुआ या एक वर्ष पूर्व इस प्रकार का महसूस हुआ था, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद अब हमें इस प्रकार का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, हमें वह पुनरावृत्ति क्यों नहीं होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जब हम पूजा करते हैं तो अनेकों बार कई लोगों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। किसी को पूजा करते समय अचानक रोना आ जाता है, किसी के सामने उसे लगता है कि कोई बड़ा प्रकाश पुंज पूरे कमरे में छा गया है, या किसी व्यक्ति का स्पर्श महसूस करता है और आंखों में से अविरल अश्रु धारा बहती है, लेकिन इसके बाद फिर वो घटना नहीं घटती, उसके पीछे कारण क्या है। मित्रों, जब हम पूजा करते हैं तो उस समय हमारी कोई न कोई चाहत बनी रहती है, हम किसी न किसी चीज को लेकर के साधना करते हैं। तो जब तक हमारी चाहत बनी रहती है, जब तक हम चाहते रहते हैं, तब तक कोई भी घटना नहीं घटती है। यदि आपकी आंखों में से आंसू आए या आपको कोई प्रकाश पुंज दिखाई दिया, तो जब वो दिखाई देता उस समय व्यक्ति शून्य हो जाता है, उस समय उसकी कोई चाहत नहीं रहती है। फिर हम उसको भी एक चाहत बना लेते हैं कि हमें इस प्रकार का प्रकाश पुंज दिखाई दिया था, या हमारी आंखों में से आंसू आ रहे थे, या हमें किसी का स्पर्श महसूस हो रहा था, अब वो घटना दोबारा घटे तो उस घटना को भी हम फिर अपनी चाहत बना लेते हैं। तो चाहत बनाने के कारण जो है फिर वो घटना नहीं घटती है। जब तक आप किसी चीज को चाहते रहेंगे तब तक वो घटना नहीं घटेगी। इसलिए जब हम पूजा करते हैं और हम भगवान से कभी मकान मांगते हैं, कभी पैसा मांगते हैं, कभी व्यापार नहीं चल रहा उसकी प्रार्थना करते हैं, तो जब तक चाहत बनी रहती है व्यक्ति परमात्मा से दूर होता है, परमात्मा के कभी वो निकट नहीं होता है। लेकिन जैसी शून्य कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है किसी साधक के साथ में कि साधना करते करते जो है उसकी चाहत खत्म हो जाती है और एकदम से शून्य हो जाता है, और जैसी शून्य होता है वह परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। जैसी चाहत गिरी, जैसी आपकी वासनाएं गिरी, जैसी आपकी आकांक्षाएं गिरी, आप जो है एकदम शून्य हो जाते हैं। और जैसी व्यक्ति के विचार शून्य होते हैं उसके अंदर उस प्रकार की घटना घट जाती है। तो कभी उसके लिए प्रकाश दिखाई देता है, कभी उसको किसी का स्पर्श दिखाई देता है, और इसी के कारण जो है उसकी आंखों में से कई बार आंसू निकल आते हैं।
एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे। यूनान में एक झील है, वहां पर एक झाड़ था। ऐसी कथा है कि उस झाड़ के ऊपर चढ़कर के कोई व्यक्ति उस झील में छलांग लगाता था तो वो व्यक्ति जो है मनुष्य से देवता बन जाता था। कोई पक्षी या पशु उस पर से छलांग लगाता था तो वो मानव बन जाता था। तो एक व्यक्ति उसकी खोज में निकला और बहुत खोजने के बाद में उसे वो वृक्ष और वो झील वहां पर मिली। वह उस झाड़ पर चढ़ा और उसने छलांग लगाई और वो जो है देवता बन गया। उस वृक्ष के ऊपर एक बंदरा और बदरिया नित्य बैठा करते थे, लेकिन उनको कभी ये पता नहीं था कि यहां इस प्रकार का कोई चमत्कार होता है कि इस झील में छलांग लगाने से व्यक्ति जो है वो देवता बन जाता है। दोनों ने विचार किया और सोचा कि हम अपन लोग भी छलांग लगाते हैं तो अपन लोग जो है मनुष्य बन जाएंगे। उन्होंने बगैर देर किए हुए बंदर और बदरिया ने उसमें छलांग लगा दी। जैसे उन्होंने छलांग लगाई वो दोनों मनुष्य बन गए। बंदरिया जो है बहुत ही अद्वितीय सुंदर युवती बन गई 17-18 साल की, और वो बंदर जो है वो भी 18 साल का एकदम युवक बन गया। लेकिन बंदरों का जैसा स्वभाव होता है उस बंदर ने बोला कि देख वो व्यक्ति इसके ऊपर से छलांग लगाए तो वो देवता बन गया, अब अपन चूंकि मनुष्य बन गए हैं आदमी बन गए हैं तो मैं एक बार फिर से छलांग लगाता हूं तो मैं फिर देवता बन जाऊंगा। लेकिन उस झील का एक नियम था कि यदि आपने छलांग लगाई पहली बार तो आप देवता बन जाएंगे, लेकिन दूसरी बार आप छलांग लगाएंगे तो आप जो है वही फिर से पुनः बन जाएंगे। लेकिन बंदरिया समझदार थी, स्त्रियां ज्यादा वैसे ही समझदार होती हैं, तो उसने बोला कि भाई ज्यादा हमें लोभ नहीं करना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित, आवश्यकता से ज्यादा लोभ करना ठीक नहीं है। लेकिन बंदर तो बंदर, उसने बोला नहीं मैं तो एक बार फिर से छलांग लगाऊंगा। उस बंदरिया ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। वो वृक्ष पर चढ़ा और उसने जैसी छलांग लगाई वो फिर से बंदर बन गया। अब बंदरिया चूंकि सुंदर युवती बन चुकी थी, किसी राजकुमारी की उसके ऊपर निगाह पड़ी, उसने उससे शादी कर ली। वो बहुत बड़े सम्राट की महारानी बन गई। बंदर को कोई मदारी पकड़ करके ले गया और उससे जो है अपना भोजन यापन करने लगा। एक बार वो बंदर का खेल दिखाते दिखाते उस सम्राट के घर पर पहुंचा। जैसे बंदर ने उस बंदरिया को देखा तो उसे पश्चाताप हुआ और उसकी आंखों से आंसू आ गए कि काश मैंने गलती नहीं की होती तो आज ये मेरी पत्नी होती। बंदरिया ने उसे देखा और उसे समझाया कि मैंने तुमको उस समय भी बोला था कि अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। तो मित्रों हम भी जब साधना करते हैं और किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती तो हमारा लोभ बढ़ जाता है और फिर हम आकांक्षा करने लगते हैं। कभी किसी व्यक्ति ने, जैसे कई बार होता हम लोगों के साथ में, हम साधना कर रहे हैं हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते गुरुदेव से प्रार्थना करते और वो चीज हमारी पूरी हो जाती है, फिर हमारा लोभ और बढ़ जाता है, फिर हम जो है फिर से अपनी आकांक्षा वहां प्रकट करने लगते हैं। फिर जब पूरी नहीं होती तो हमारा मन जो है वो उदास हो जाता है और हमारे अंदर जो है श्रद्धा की जगह अश्रद्धा का जन्म हो जाता है और फिर हमें लगता है कि ये सब बेकार है। तो जितना ज्यादा आप लोभ करेंगे उतनी ज्यादा आप ईश्वर से दूर होते हुए चले जाएंगे। तो ये घटनाएं व्यक्ति के जीवन में एक आध बार ही घटती हैं, और बार बार क्यों नहीं घटती, क्योंकि हम फिर बार बार उसकी आकांक्षा करते, बार बार हम उसकी चाहत करते हैं, इसलिए फिर वो घटना हमारे जीवन में नहीं घट पाती है। इसलिए यदि कभी जीवन में कोई घटना इस प्रकार की घट जाती है तो उसे ईश्वर का प्रसाद माने और अपने साधना काल में अपनी चाहत को, अपनी आकांक्षाओं को जिस दिन आप खत्म कर लेंगे, अपनी वासनाओं को उस समय समाप्त कर देंगे,
अहंकार रहित आप यदि हो जाएंगे, अपने आप को शून्य कर लेंगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा आपके अंदर उतर जाएगा और फिर वो सारी घटनाएं घटेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन जब तक आपकी चाहत रहेगी तब तक वो घटना कभी दोबारा नहीं घटेगी, क्योंकि वो जगह जो घटना जब घटती है तब व्यक्ति की चाहत खत्म हो जाती है। तो कोई ऐसा समय साधना करते समय कोई ऐसा समय आ जाता है कि उस समय आपकी कोई चाहत नहीं रही, आप एकदम शून्य हो गए, आप एकदम भाव विभोर हो गए और वो घटना घट जाती है और हम फिर जो है उसकी चाहत लेकर के बार बार प्रयास करते हैं लेकिन वो घटना दोबारा नहीं घट पाती है। आशा मित्र, निश्चित रूप से यह जानकारी जिन लोगों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं या जो लोग सोचते हैं कि फलाने व्यक्ति की इस प्रकार की घटना घटी हमें क्यों नहीं घट रही है, तो उनको आज हमारी बात से समझ में आएगा कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा क्यों नहीं घटती है। पुनः दूसरे वीडियो में किसी नए विषय के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।